हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोमेट्रिक ट्यूब थी उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट मैनोमीटर है, क्योंकि जो लिमिटेशंस थी आपकी, जो लिमिटेशंस हैं फिजियोमीटर की, उसको हम कैसे दूर करें। तो उसको दूर करने के लिए हमने एक मैनोमीटर बनाया, जैसे हम यूट्यूब मैनोमीटर हम कहते हैं। तो मैनोमीटर में हमें पता है जो आपका मैनोमीटर है, यदि मैनोमीटर को यू शेप में मोड़ दिया जाए, मैनोमीटर को क्या कर दिया जाए, यू शेप में मोड़ दिया जाए, तो हमें यू ट्यूब मैनोमीटर प्राप्त हो जाता है। यू ट्यूब मैनोमीटर आपका मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जनरली करना क्या है, हमें जो अपना मैनोमीटर है उस मैनोमीटर को यदि हमने यू शेप में मोड़ दिया, तो यू शेप में मोड़ने के बाद जो मैनोमीटर प्राप्त होता है हम उसे यू ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। तो जो यू ट्यूब मैनोमीटर है वो आपका आपका वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है और आपका डिफरेंशियल हो सकता है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो मैनोमीटर है वो आपका वर्टिकल, इंक्लाइंड, डिफरेंशियल हो सकता है। तो हमने क्या किया है, जो मैनोमीटर है, हमें पता है मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है। मैनोमीटर क्या होता है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, कॉलम को बैलेंस करके प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेंगे। तो यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम यू शेप में क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका मैनोमीटर, क्या है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है आपका, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है। अब क्या है, जो आपका YouTube मैनोमीटर था, ठीक है, वो एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब का बना होता है। किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी ग्लास ट्यूब का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, YouTube मैनोमीटर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब का बना होता है जिसे हम यू शेप में मोड़ देते हैं। यू शेप में क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। ठीक है, यू शेप में हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपका, जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेजर करेगा। प्रेशर डिफरेंस को क्या करेगा, ये मेजर करेगा, प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक, जब आपका मैनोमीटर किसी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, किसी भी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा होता है, जब आपका मैनोमीटर किसी भी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा होता है, गेज पॉइंट मतलब जहां का मैं प्रेशर मेजर करना है, जो पाइप जा रहा है वो आपका गेज पॉइंट हो गया। ठीक है, आपका है, अगर वो किसी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा होता है तब क्या होता है, कि आपका हमने क्या किया, यूट्यूब मैनोमीटर है ये आपका, उसको हमने क्या किया है, मैनोमीटर को यू शेप में मोड़ लिया है। ठीक है, इसमें एक आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, रेफरेंस है, यहां तक आपका क्या भरा हुआ है, एक आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। ये क्या है आपका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड।
मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिसकी सभी प्रॉपर्टी की जिसकी सभी प्रॉपर्टीज हमें क्या है पहले से ही पता होते हैं, उसका स्पेसिफिक गेट, उसकी डेंसिटी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब हमें पता होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कौन सा होगा, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। दोनों में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जब आपका मैनोमीटर, जब आपका यूट्यूब मैनोमीटर किसी भी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा होता है, किसी भी गेज पॉइंट से नॉट कनेक्टेड होता है, नहीं जुड़ा होता है, तो उस केस में दोनों लिम्स में, ये दोनों लिम्स हैं, इन दोनों लिम्स में जो लिक्विड का लेवल होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, एक समान क्या होगा, लिक्विड का लेवल होगा। जब हम किसी गेज पॉइंट से इसको नहीं जोड़ते हैं तो उस केस में जो लिक्विड का लेवल है दोनों लिम्स में वो क्या होगा, एक समान होगा। दोनों लिम्स में जो लिक्विड का लेवल है वो क्या है, एक समान है। लेकिन जब हम किसी एक को, मान लो इसको या इसको, हमने किसी गेज पॉइंट से जोड़ दिया तो हम प्रेशर डिफरेंस को कॉलम बैलेंसिंग के द्वारा हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखा हमने किसी गेज पॉइंट से नहीं जोड़ा था तो दोनों लिम्स में लिक्विड का लेवल क्या था, एक समान था। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मान लीजिए हमने इसको क्या किया, जब यूट्यूब मैनोमीटर को हम किसी गेज पॉइंट से कनेक्टेड करते हैं तब प्रेशर डिफरेंस को कॉलम बैलेंसिंग द्वारा मेजर करते हैं, कॉलम बैलेंसिंग द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या थे, कॉलम ही तो थे, तो यूट्यूब मैनोमीटर आपको कनेक्टेड था, ये क्या थे आपके कॉलम, ये कॉलम है। तो कॉलम बैलेंसिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, लिक्विड के लेवल को मेजर, सॉरी प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो केस होंगे। जब हम किसी गेज पॉइंट से यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस ये है कि जब आपका जो अननोन प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, और दूसरा केस कब होगा, जब आपका अननोन प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अननोन प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी पहले केस में आपका जो गेज प्रेशर था या जो अननोन प्रेशर था वो ज़्यादा था, और दूसरा जो केस है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो इस केसेस में क्या क्या आपका मैनोमीटर का वर्क करेगा, हम उसको डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहला केस यहाँ डिस्कस करेंगे हम, आपका पहला केस है केस नंबर वन, व्हेन अननोन प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या अननोन प्रेशर को हम यहां पर गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि गेज पॉइंट होगा तो यहां पर एक गेज प्रेशर है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर मिलेगा। ठीक है, मतलब कि क्या है, जब आप जो अननोन प्रेशर है, जो अज्ञात दाब है, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जब आपका अननोन प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए आपका यूट्यूब मैनोमीटर है, ये एक तरीके से भी रफली डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
अब आपका क्या है, जो अननोन प्रेशर है वो ज्यादा है, तो मतलब ये जो आपकी लिम्स है इसको यदि आप किसी गेज पॉइंट से जोड़ेंगे तो इसका प्रेशर ज्यादा है। उसकी वजह से क्या है, जो मरकरी का लेवल है वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर पहुंच जाए, कुछ हाइट ऊपर यहाँ पे डिस्प्लेस कर जाएगा। तो मान लीजिए आपकी जो मरकरी है वो आपकी मरकरी यहाँ तक आ गई, और आपका ये लिक्विड है दूसरा वाला, जो अलग पेन से इसको दिखा देते हैं, मान लीजिए यहां तक आ गया, ठीक है। तो यहां तक आपकी क्या है, ये आपकी मरकरी यहां तक है, ठीक। तो आपकी ये मरकरी पहले डेटम लाइन थी, मतलब पहले एक्स थी, अब एक्स डैश है, मतलब क्या हुआ, पहले केस में क्या था, जब आपका किसी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा था, ये जब ये यूट्यूब मैनोमीटर किसी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा था तो उस केस में जो दोनों लिम्स में जो लिक्विड का लेवल था वो यहां तक था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने किसी गेज पॉइंट से जोड़ा, और ऐसे गेज पॉइंट से जोड़ा जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो उस केस में जो आपका वाटर है या जो लिक्विड है जो भी है वो क्या करेगा, मरकरी को इस वाली लिम्ब में ऊपर की तरफ क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। तो दूसरी केस में जो डेटम लाइन आई आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस केस को हमें इस तरीके से डील करना है, ठीक है। इसका डायग्राम अभी हम दोबारा बना देते हैं। ये आपकी क्या है, डेटम लाइन, या आप इसको बोल सकते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक। यहां पर जो प्रेशर लग रहा था वो आपका क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। तो इस केस में क्या है, जो गेज प्रेशर है वो ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। ये आपका कोई पॉइंट ए है, यानी गेज पॉइंट वन है आपका ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द पाइप से डिस्टेंस कितनी है लिक्विड की, पहले वाले की आपकी H1, ठीक है। डेटम लाइन से मरकरी की हाइट कितनी है आपकी, H2, कोई दिक्कत, यानी कि पाइप के सेंटर से जो आपका लिक्विड है उसकी हाइट कितनी है, जो गेज प्रेशर वाला लिक्विड है या जो अननोन अननोन जो फ्लूड है उसके उसकी हाइट कितनी है, H1, ठीक है। तो हमारे पास ये दो डेटा आ गए, यहां पर ये जो है स्पेसिफिक, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी W1, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी W n, क्योंकि ये कौन सा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड या मरकरी हमने लिया है, ठीक है। या इसकी हम जो डेंसिटी है और लिख सकते हैं, और उसकी डेंसिटी कितनी है, Rho1, इसकी डेंसिटी कितनी है, Rho n, ठीक है। ये आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये जो भरा हुआ ये रेड कलर से हमने दिखाया है वो आपका क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। तो क्या हुआ, जैसे ही आपका गेज प्रेशर ज्यादा हुआ तो आपका मान लो मरकरी यहां तक थी पहले, तो वो डिस्प्लेस होकर क्या होगी, इसमें ऊपर की तरफ मूव करके चलेगी, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम है, इस डायग्राम में आपका जो हमें गेज पॉइंट, हमें क्या निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है पी ऑफ ए, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, चलिए डेरिवेशन इधर साइड में करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे,
हमें ये पता है कि इस पॉइंट पर प्रेशर और प्रेशर दिस पॉइंट पर, यानी प्रेशर एट पी वन और प्रेशर एट पी टू पर आपके क्या है, इक्वल है, एक समान लेवल पर, एक समान आपका क्या है स्टेट लेवल है क्या है, तो उस पर लगने वाला प्रेशर भी क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस पॉइंट पर प्रेशर, प्रेशर इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी वन पर यहाँ पर कौन कौन सी हाइट, एक तो लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा है और एक गेज पॉइंट के प्रेशर लग रहा होगा। तो चूंकि ये किसी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो गेज प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है, कोई भी गेज पॉइंट नहीं है, तो गेज प्रेशर यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका गेज प्रेशर है। तो P1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, P1 पर फाइंड आउट करने के लिए करेंगे गेज प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ द लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो P1 हम निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 आपका आ जाएगा गेज प्रेशर P ऑफ A प्लस, अब आपका फ्लूइड की हाइट कितनी है H1, उसकी डेंसिटी कितनी है रो वन। ठीक है, तो आपको पता है हाइड्रोस्टेटिक के नियम से क्या है, हाइड्रोस्टेटिक की इक्वेशन है P इक्वल टू रो जी एच, तो P इक्वल टू रो जी एच है, तो उस केस में यहां लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा रो वन G into H1, यानी इस पॉइंट पर जो प्रेशर आपका लग रहा होगा वो तो गेज प्रेशर की वजह से गेज प्रेशर प्लस जो हाइट है, ये फ्लूड आपका भरा हुआ है उसकी वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1 is equal to PA plus rho G H1। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या है P2 is equal to, चूंकि कोई भी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो गेज प्रेशर की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और लिक्विड की हाइट कितनी है, मर्करी फ्लूड है आपका, रो है मैनोमेट्रिक फ्लूड इंटू जी इंटू एच एम। ठीक है, ये हमारे पास चीजें आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल इधर रख देते हैं, तो जब इसको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, P ऑफ A, P1 की वैल्यू रो वन जी इंटू एच वन इज इक्वल टू रो ऑफ M G इंटू एच एम। हमें क्या चाहिए, गेज प्रेशर, तो P ऑफ A अननोन प्रेशर आ जाएगा हमारे पास कितना, रो ऑफ M G एच एम माइनस का रो वन G इंटू एच वन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यानी गेज प्रेशर को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो केस था इसका डिटेल में डिस्कस कर लिया। पहला केस था कि आपका जब गेज प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो उस केस में जो आपका प्रेशर डिफरेंस है मैनोमीटर में, यू टू मैनोमीटर में, वो कैसे निकालेंगे, वो आपके पास पीए की वैल्यू इस प्रकार आ गई। इसमें आपने दोनों चीजों में डिस्कस कर लिया, आपकी हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये क्या है हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, हाइट ऑफ लिक्विड इन गेज पॉइंट। ठीक है, जो गेज पॉइंट में या फिर जो गेज प्रेशर की वजह से या फिर जो अननोन प्रेशर में जिस लिक्विड की वजह से लग रहा है, उसकी सेंटर से डेटम लाइन की जो हाइट है वो आपकी क्या है H1 है, यानी क्या है पाइप के सेंटर से आपकी हाइट है लिक्विड की। ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक वेट W1, इसकी डेंसिटी रो वन, इस जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो एम, स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू एम। तो इस केस में हमने पता है कि इस पॉइंट पर स्ट्रेट की अगर लिक्विड का लेवल एक समान लेवल पर लगने वाला जो प्रेशर होता है वो भी आपका इक्वल होता है, तो इस पॉइंट पर लगने वाला और इस पॉइंट पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। तो हमने P1 इज इक्वल टू P2 रख दिया। तो इस पॉइंट पर कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं, एक तो इस लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर लगेगा हाइड्रोस्टेटिक की लॉ से, और ये जो गेज प्रेशर, इस जो गेज पॉइंट है, इस गेज पॉइंट की वजह से लगने वाला गेज प्रेशर है। तो P1 हम कैसे निकालेंगे, तो P1 हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, गेज प्रेशर प्लस हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हम इसमें बात करेंगे PV की बात करेंगे, सॉरी दूसरे इसमें कोई गेज प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो बात हम यहाँ करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है हम जब भी गेज प्रेशर की बात करते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा P2 आ जाएगा, रो एम जी एच एम, सॉरी ये आ गया आपका।
ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों वेक्टर रखेंगे तो आपके पास जो गेज प्रेशर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम जो दूसरा केस है इसका, जब आपका ये वाला जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा इस वाले प्रेशर से, तो उस केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इतना काफी है। यदि किसी को कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन लिख के बता सकता है। थैंक यू क्लास।